तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगफेंग ज़ीन याओ की सोल के साथ वहाँ से लौटने के लिए निकल पड़ा था, मगर अब यहाँ पहले ही ऑलरेडी कई सारे बीस्ट उस फॉर्मेशन पर हमला कर चुके थे। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के जस्ट आगे से होती है, मगर हम देखते हैं कि अब और ज्यादा बीस्ट वहाँ पर आ चुके थे और अभी वो सभी हवा से आकर उस बैरियर पर अटैक कर रहे थे और अभी नीचे बाकी सभी लोगों ने देखकर डर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इन बीस्ट की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब तभी एक लड़का कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, कहीं मास्टर युंगफेंग यहाँ से भाग तो नहीं गए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। मगर अब उसकी बात पर निकी कहती है कि तुम ये फालतू बातें मत करो, वो कभी भी हमें इस तरह प्रॉब्लम में छोड़कर नहीं जा सकता। मगर अब वो लड़का कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर हम यहाँ रुके तो हमारे बचने का चांस बिल्कुल जीरो है। मगर अब तभी ज़िनयुन उस पर चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम भूल गए, इन्हीं बीट्स ने हमारी सिस्टर पर अटैक किया था, तो क्या तुम्हें इनसे बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुम तो यहाँ से भागने की बात अपने मन में ला रहे हो। लेकिन अभी ये सब तो मोटिवेट करने वाली बातें थी, वरना असल में तो यही सच था कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि वो बीस्ट अब अपनी पूरी पावर से एक साथ उस बैरियर पर अटैक करने लगे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन बीस्ट की फायर इतनी स्ट्रांग थी और अब अचानक से सब के सब एक साथ अटैक करने के कारण वो बैरियर गायब हो जाता है, यहाँ तक कि उन पांचों एलिमेंट ने काम करना बंद कर दिया था। तो बैटरी गायब होते ही वो ट्रू फायर अंदर आकर इनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिससे डरकर ये सभी पीछे हट जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जो घोड़े गाड़ी खींच रहे थे वो भी डर गए थे। मगर अब जब वो पीछे हटते हैं तो उनके साथ गाड़ी भी हिल जाती है, जिसकी वजह से ज़ीन याओ की बॉडी जो कि अभी उसी गाड़ी में रखी हुई थी नीचे गिर जाती है और अब बीस्ट भी उस बॉडी देखते ही तुरंत उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर ज़ीन शियाओ तुरंत ही ज़ीन याओ की बॉडी की तरफ उसे बचाने के लिए भागती है। अभी यहाँ पर सभी चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी उन बीस्ट को नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो इतने सारे हैं कि जो यहाँ पर पावरफुल लोग हैं अगर वो उन्हें रोकना भी चाहें तो भी सिर्फ एक आदमी एक वक्त पर सिर्फ एक बीस्ट को ही रोक सकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ीन युन जोर से चिल्लाती है और तभी एंट्री होती है युंगफेंग की, जो कि दूर से ही अपने स्ट्राइक की मदद से इन सभी बीस्ट पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि सारे के सारे बीस्ट वही खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी पूरी बॉडी भी तुरंत ही वहाँ पर खत्म हो जाती है। और अब बाकी सभी भी लोग युंगफेंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और साथ ही फाइनली वो लोग चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब वो नहीं बचने वाले। लेकिन अब युंगफेंग की पावर देखकर उनके मन में ये बात आ चुकी थी कि शायद अब वो बच जाएंगे। इसके बाद अब युंगफेंग नीचे आता है और फिर ज़ीन उससे थैंक यू कहती है और अब शियाओ कहती है कि ब्रदर, आप सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो, आपने तो बिल्कुल हीरो वाली एंट्री दी है। अब इसके बाद निकी आगे आती है और युंगफेंग से कहती है कि हमें माफ करना, हम उन बीस्ट को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए। लेकिन अब इस पर युंगफेंग कहता है कि नहीं, तुमसे जितना हो पाया तुमने उतना किया, वैसे मैं तुम सबके लिए कुछ चीज लाया हूँ। अब निकी पूछती है कि कौन सी चीज, तो युंगफेंग कहता है कि वो मैं बाद में बताऊंगा। अब वो युंगफेंग से पूछते हैं कि क्या ब्रदर आपको सिस्टर की सोल मिली, तो इसके बाद युंगफेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसी के लिए तो गया था। और अब वो सलवार को निकालता है जिसमें से ज़ीन याओ की सोल बाहर आती है और अब सोल को देखकर ज़ीन शियाओ बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और साथ ही बाकी सभी भी बहुत खुश हो गए थे। वैसे अब वही लड़का कह रहा था कि इसने तो सच में सिस्टर की सोल को ढूंढ लिया। अब ज़ीन शियाओ तुरंत ज़ीन याओ की सोल के पास भागती है, लेकिन अब वो उसे टच नहीं कर पा रही थी। अब ज़ीन याओ से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अब तभी उन्हें एक बहुत तेज आवाज आता है, दरअसल ये वही युआन रिलम के ड्रैगन की आवाज थी जो कि अभी उस पेड़ के पास चीख रहा है। और अब उसकी आवाज सुनते ही याओ अपनी तलवार में वापस से चली जाती है और फिर युंगफेंग भी कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग गाड़ी में वापस वैली की तरफ निकल पड़े थे। अब रास्ते में युंगफेंग उस टेक्निक का यूज करता है जिससे वो सोल उसकी बॉडी में वापस जा सके। इसमें युंगफेंग अपने गोल्डन निडल से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो सोल उस बॉडी के अंदर एंटर करती है। और अब हम देखते हैं कि बहुत ही कम टाइम में ज़ीन याओ को होश आ जाता है, तो अब ज़ीन शियाओ से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और अब वो युंगफेंग को थैंक यू कहते थक ही नहीं रही थी। लेकिन अब युंगफेंग उससे कहता है कि अरे मैंने तो जो कहा था सिर्फ वही किया है, मुझे इतना थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब ज़ीन शियाओ कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम भी हमारी बात का पूरा ध्यान रखेंगे। और अब वो और भी स्पीड के साथ निकल पड़ते हैं सीधे वैली की तरफ। अब अगले सीन में वो लोग वैली में पहुंच चुके थे जहां पर सभी गार्ड्स उनकी गाड़ियों को आते देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सिस्टर वापस आ चुकी है। मगर अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि आखिर ज़ीन याओ को सोल वापस मिली होगी कि नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वैली के मास्टर और डॉक्टर जो खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे और साथ ही उनके साथ एक मास्टर और डॉक्टर जो को पोता भी था।
अब यहाँ वो गाड़ी को आते हुए देखते हैं तो वैली मास्टर कहते हैं कि ये लोग बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या इन्हें ज़ीनियाओ की सोल इतनी जल्दी मिल गई होगी। अब इस पर डॉक्टर जो कहते हैं कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं है कि इन्हें वो सोल मिली होगी, मुझे तो ये लगता है कि शायद ये वहाँ पर इन बीस्ट को देखकर वहाँ से डरकर वापस आ गए। मगर अब वैली मास्टर कहते हैं कि मैंने अभी देखा उनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, उन्हें जरूर ही कुछ ना कुछ मिला होगा, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या हो सकता है। मगर अब डॉक्टर जो कहते हैं कि अरे वो इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर जिंदा वापस आए हैं तो उनके जान से ज्यादा उन्हें किस चीज़ से खुशी होगी। अब वैली का गेट ओपन होता है और वो लोग अंदर आते हैं। यहाँ अंदर आने के बाद वैली मास्टर ज़ीनियो उनसे पूछते हैं कि क्या ज़ीनियो की सोल मिली, तो इस पर ज़ीनियो कहती है कि हाँ मास्टर, और उन्हें अब होश भी आ चुका था। इसके बाद अब वो गाड़ी का पर्दा हटा देती है और अब ज़ीनियाओ और शियाओ वहाँ गाड़ी से बाहर आते हैं। अब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे, खासकर वो डॉक्टर जो और उनका पोता, वो कह रहा था कि इसने तो सच में इस लड़की की सोल ढूंढ ली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसके बाद अब वैली मास्टर सभी को अपने हॉल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर वो ज़ीनियाओ से पूछते हैं कि आखिर तुमने इतने दिन तक वहाँ पर क्या किया और आखिर तुमने वहाँ सर्वाइव कैसे किया, तो इस पर ज़ीनियाओ बताती है कि मैं वहाँ पर अपनी सोल को अपनी तलवार के अंदर भेज देती थी जिससे मुझे उन बीस्ट से कोई खतरा नहीं था। इसके बाद वो बताती है कि मुझे जितना टाइम मिलता तो उसमें मैं कल्टीवेशन करती थी और जैसे ही मुझे कोई बीस्ट दिखता तो मैं उस तलवार के अंदर छुप जाती, और ऐसे ही मैं जब उस तलवार के अंदर छुपी थी तभी कुछ बीस्ट वहाँ पर आकर लड़ने लगी और उनकी वजह से मेरी तलवार और मैं एक तालाब के अंदर गिर गई, जहाँ पर मैं मिस्टर युंगफेंग से मिली और फिर उन्होंने मेरी जान बचाई। अब इसके बाद वैली मास्टर युंगफेंग को पहले तो थैंक यू कहते हैं और फिर कहते हैं कि तुम सच में कमाल हो, क्या तुम उन सभी बीस्ट से अकेले लड़े थे? तो इस पर युंगफेंग कहता है कि अरे नहीं, वो पहले ही लड़ रहे थे तो वो बहुत कमजोर थे, इसलिए मैं उन्हें हरा पाया। लेकिन अब ज़ीनियाओ कहती है कि ऐसा नहीं है, वो बीस्ट बहुत स्ट्रांग थे और सभी के सभी युवान यिंग रन पर थे। लेकिन तब मिस्टर युंगफेंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, जैसे कि उन्हें पता हो कि वो इन सभी को बहुत आसानी से हरा देंगे। अब वो सभी लोग बहुत शौक थे और फिर वैली मास्टर कहते हैं कि क्या तुम युआन रिंग पर पहुंच चुके हो, जिस पर युंगफेंग कहता है कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद ज़ीनियाओ मास्टर को उस खास ट्री के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि मिस्टर युंगफेंग वहाँ से फ्रूट लेकर आए हैं। तो पहले तो वैली मास्टर ज़ीनियाओ से कहते हैं कि देखो अब की बार तुम वहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि अब तुम भी ये बात समझ चुकी होगी कि वो कितनी खतरनाक है और हम इतने स्ट्रांग भी नहीं है कि इतने खतरनाक बीस्ट से फाइट कर सके। और इस पर ज़ीनियाओ कहती है कि मैं अब कभी भी वहाँ पर नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो ज़ीनशियाओ से कहते हैं कि अपनी सिस्टर को लेकर जाओ, उन्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो पहले ही बहुत थक चुकी होगी। जिसके बाद ज़ीनशियाओ उठती है और सबसे पहले यही कहती है कि ग्रैंडपा आप अपने प्रॉमिस को याद रखना जो आपने युंगफेंग से किया था, और फिर अब वो ज़ीनियुन और ज़ीनियाओ के साथ वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद वैली मास्टर कुछ सैनिकों से कहते हैं कि मिस्टर युंगफेंग के सभी दोस्तों को रेस्ट करने के लिए ले जाओ, और फिर वो युंगफेंग को अपने साथ चलने को कहते हैं। इसके बाद अब वो दोनों साथ में ही कहीं जा रहे थे और अब वो युंगफेंग को एक अलग सी ही जगह पर ले जाते हैं। मगर अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियोस के लिए।